हर्षोल्लास के साथ यह पवित्र और पावन पटना के धरती पर बहुत ही शानदार रूप से आयोजित किया जा रहा है। कलश यात्रा में करीब 7500 कलश हैं, साथ ही इसमें लगभग 1 से 3 लाख तक के लोग शामिल हुए हैं। दोस्तों, पटना के गंगा घाट से बड़े बड़े टैंकरों में गंगा जल यहाँ पे लाया गया है और यहाँ से लोग अपने कलश में गंगा जल लेकर बाबा बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आगमन पे लेकर तरेतपाली मठ तक पहुँचेंगे। आप भी आना चाहते हैं तो आप भी आइए। किसी भी राज्य से आप पटना स्टेशन आ सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेन से या फिर बस से दानापुर आ सकते हैं और दानापुर से आप नौबतपुर के लिए बस या ऑटो ले सकते हैं। दोस्तों, साथ ही देख लीजिए किस तरह से लाखों की संख्या में रंग बिरंगे कपड़ों में किस तरह से भगवा रंग आपको चमक रहा है। तो आइए आप भी और इस कलश यात्रा में भाग लीजिए। साथ ही कल से यानी 13 तारीख से शुरू हो रहा है शास्त्री जी का, हमारे महाराज जी का प्रवचन कार्यक्रम शुरू होगा, तो आप उसका भी आनंद लीजिएगा। बहुत ही भव्य और बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। भक्ति और भक्तों के इस संगम में आप भी शामिल हो सकते हैं। बहुत ही खूब नज़ारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख रहे हैं कितने दूर तक लाइन से कतार में आ रहे हैं लोग, पटना के अलग अलग गलियों से होते हुए यानी नौबतपुर के अलग अलग गलियों से होते हुए लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। साथ ही कल से यानी 13 तारीख से शुरू होगा धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रवचन,